आप ही इधर आइए। अरे लाइन लाइन से करो ना, एक में सब मत जाओ। आ जाओ इधर से, आ जाओ पूरा इधर। मैं ये वाला फूल इधर रखो, इधर से सब आएंगे तो अच्छा रहेगा। आज तुम लोग भी उधर जाओ ना। अपना कार्यक्रम पार्टी ने खूब मोटी क्षति थी है। आप जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना काल थी, स्थापना वक्त पहला प्रमुख आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी था। त्यारथी आज दिन सुधी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कार्यक्रमों होय के आंदोलन होय एमने स्मरण करवामां आवता। आजे आपणने एवुं लागे छे के आपणे आपणा उपरथी छत्रछाया आपणे निकळी गई एवुं लागे छे। आज दिने आप सौने विनंती करूँ छूं कि आपणे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजीना मानमां 2 मिनिटनुं मौन पाड़ी अने पछी दरेक लोकोने विनंती छे, कार्यकर्ता भाईओ अने बहेनोने કે પોતે આવીને શ્રદ્ધા સુમન અર્પિત કરે તો હું આપને વિનંતી કરું 2 મિનિટનું આપણે મૌન પાડીએ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। आप देख रहे हैं विशेष कवरेज दादरा एवं नगर हवेली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता व सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सांसद दिल्ली में मौजूद है, वहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो महिला कार्यकर्ता हों या पुरुष कार्यकर्ता हों, और यहाँ पर जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं सभी लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी लोग बहुत ही दुख, इस जो दुख का घड़ी है भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर शांतु पुजारी जो यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अजय देसाई जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं अजय देसाई, इन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया है। और इसके बाद अब देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता व नेता जो भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं।
दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा से यह विशेष कवरेज देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जिनका कल 5 बजे निधन हो गया था, उनके निधन के बाद उन्हें उनका जो हाउस है, उनका जो घर है, वहाँ पर ले जाया गया उनके पार्थिव शरीर को। उसके बाद आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दिल्ली में रखा गया है। उसके बाद उन्हें उनका यात्रा निकलेगा 1 बजे के बाद, फिर 4 बजे उनका दाह संस्कार होगा। बताना चाहता हूँ भारी संख्या में दूर दूर से लोग आए हैं दिल्ली में, दिल्ली जो देश के बाहर के भी लोग आए हैं उन्हें देखने के लिए और उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत ही प्यारे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, विपक्ष भी कभी उनके लिए कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, उनसे बहुत प्यार करते थे लोग, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो उपाध्यक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की महिला जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रही हैं। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता जगह जगह से आए हैं और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस चैनल को मदद मिले आगे बढ़ने के लिए। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं यहाँ पर अश्विनी जो पटेल हैं वो भी यहाँ पर, और ये जयंती पटेल यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्होंने भी श्रद्धांजलि दिया, ये चांसलर हैं। प्लीज़ देखते रहिए भारत उदय समाचार।